الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے
और अल्लाह उम्मत तक सही इल्म पहुंचाने के लिए अल्लाह मुझे और आपको सबको आफियत के साथ कबूल फरमा ले। अजीज मेरे भाइयों, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हमने पूरा महीना सुना है और मैंने आपके सामने सबसे पहली मजलिस में यही बयान किया था कि वो वजदक अललन फहदा व वजदक आइलन फअबना और वलसौफ युतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा। आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश को सुना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बचपना, फिर जवानी, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद जब 40 बरस के हुए अल्लाह ताला ने नबूवत का ताज पहनाया। उसके बाद की जो जिंदगी है 13 साल मक्की जिंदगी, 53 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में रहे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के मुकर्रमा से, अपने ही वतन से, दीन की दावत का काम शुरू किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ बड़े अखलाक के साथ पेश आते थे, बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आते थे। लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें रखवाते थे, हमारे नबी को सच्चा और अमीन कहते थे। ये मैं आपके सामने थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए बतलाता हूं कि पॉइंट की बात बतलाना है। मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ रख देते थे उस घड़ी को और उस मकाम को मुबारक समझते थे। यहां तक कि काबतुल्लाह की तामीर फरमाई तो अल्लाह के रसूल खुद पत्थर उठा के ला रहे, कंधों पर पत्थर उठाकर ला रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में है जो हजवे अस्वद जो पत्थर रखने का मौका आया तो 4 बड़े बड़े कबाइल झगड़े पर उतर पड़े कि हम रखेंगे। वो कह रहा है कि हम रखेंगे, वो कह रहा है कि हम रखेंगे। आपस में मशवरा किया कि कल सुबह हरम में सबसे पहला जो आएगा बंदा वो उसका फैसला करेगा। तो कुर्बान जाइए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि दूसरे दिन सबसे पहले हरम शरीफ में कदम रखने वाले जो थे वो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो झगड़े को इतना आसानी के साथ मिटा दिया, हिकमत के साथ, जिसको हम हमारी जुबान में कहते हैं हिकमत, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ मिटा दिया कि तमाम कबाइल वाले खुश हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चद्दर मुबारक बिछा दी और चद्दर मुबारक बिछाने के बाद हजवे अस्वद को अंदर रख दिया पत्थर और 4 कबाइल जो बड़े बड़े थे उनको कहा कि तुम 4 कोना पकड़ लो और वहां जाकर ले जाओ, तुम्हारे चारों का हक अदा हो जाए। तो कितना बड़ा झगड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सेकंडों के अंदर निपटा दिया हिकमत के साथ। तो ये हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस के हुए
और कहा कि भाई मुझे अल्लाह की तरफ से नबी बनाकर भेजा गया है। मेरा नबी तो उस वक्त नबी बन चुका था कि अभी आदम को अल्लाह ताला ने पैदा भी नहीं फरमाया, लेकिन जुहूर कब हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल की उम्र हुई तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब नबूवत का आपको ताज पहनाया, अब दावत का काम चलाइए आगे। तो अब जो मोहब्बत करने वाले थे, जो इश्क करने वाले थे, जो प्यार करने वाले थे, जो अच्छी अच्छी बातें करने वाले थे, जो अमीन कहने वाले थे, जो सच्चा कहने वाले थे, वो लोग सब मुनाफिकत पर उतर पड़े, दुश्मनी पर उतर पड़े कि मोहम्मद नया दीन लाया है, नया मजहब लाया है, अब ये कैसे? ये एक नंबर का झूठा है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कज़्ज़ाब है, शायर है, जादूगर है, कुरान ने सब बताया। जैसे ही दीन का काम शुरू हुआ और जैसे ही दीन का काम को शुरू किया, हालात को बोलो भाई, हालात ने घेर लिया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने वाली एक जात थी, वो कौन थी बोलो भाई? अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब, मेरे मुज़म्मिल, मेरे मुंतसिर, ताहा यासीन, आकाए नामदार, ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये कुफार मुशरिकीन चाहे आपको मिटाने की बातें कर रहे हैं, आपको खत्म करने की बातें कर रहे हैं, आपको नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ज़बह करने की, कत्ल करने की बात कर रहे हैं, आप वो प्लानिंग बना रहे हैं, इससे पहले आपको हम खबर कर देंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया, आप फिक्र न करें, जो कलमा लेकर हमने आपको भेजा है वो कलमा पूरी दुनिया के अंदर बिखेर कर रहेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, युरीदून लियुत्फियू नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये कुफारे मुशरिकीन जो आपको कह रहे हैं कि हम आपके दीन को मिटा कर रहेंगे, आप जो कलमा लेकर आए हैं वो कलमे को हम मिटा कर रहेंगे, ए मेरे हबीब, मेरे मुज़म्मिल, मेरे मुत्तसिर, ताहा यासीन, आकाए नामदार, ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप फिक्र न करें, हम आपके कलमे को पूरी दुनिया के अंदर बिखेर कर रहेंगे। वो अल्लाह का रसूल दुनिया में आए तो यतीम बनकर आए। मैंने आपको आपके सामने थोड़ा पेशे मंजर बताया, अब मैं आपको सीरत में आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी, लेकिन मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की कितनी कदर की, ये पॉइंट है आज मेरा। अल्लाह के रसूल की आपने अखलाक सुने, अल्लाह के नबी का नूर सुना, अल्लाह के नबी का चेहरा सुना, अल्लाह के नबी की जिंदगी सुनी, अल्लाह के नबी ने दावत का काम क्या किया वो सुना, अल्लाह के नबी दुनिया में मक्के की जिंदगी कैसे गुजारी, कैसे बर्दाश्त किया वो सुना, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश मेरे माँ बाप जिंदा हो। क्या कहा? काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, मैं ईशा की नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और मैं रकात को बांध चुका होता और मेरी घर की खिड़की खुलती और मेरी माँ आमेना कहती, बेटा मोहम्मद तुम, मैं नमाज को तोड़ देता। क्या कहता? मैं नमाज को तोड़ देता और मैं कहता, माँ पता तेरा क्या काम है, मैं नमाज बाद में पढ़ता। आज ये पॉइंट मुझे बतलाना है कि मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पूरी जिंदगी 63 साल की जिंदगी में अल्लाह के रसूल को माँ बाप कितनी मर्तबा याद आए। आपने ये बयान कभी सुना होगा, शायद ही सुना होगा। अल्लाह के रसूल तमाम नबियों का सरदार, तमाम नबियों का सरदार, और अल्लाह ने जो दुनिया बसाई है, दुनिया जो अल्लाह ने बनाई है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में बनाई। अल्लाह मोहब्बत को पैदा
कोई शेर पैदा नहीं करेगा। आदम से लेकर ईसा तक 124,000 या कम हो बेश नबी आए, अल्लाह कोई नबी को पैदा न करता, कोई उम्मती को पैदा न करता, कोई पैदा न होता, ये सब बने हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सफर, अल्लाह के नबी तो अभी पेट में है आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा, और बाप का इंतकाल हो गया। अलम यजिदका यतीमन फआवा, जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई उसको अल्लाह ताला कैसे भेज रहा है, एक यतीम भेज रहा है, बाप का साया उठा लिया। आज किसी बच्चे का बाप का इंतकाल हो जाए तो हम सब फिक्र में लग जाए कि मौसा बता पूरा ऊंट है, कहते कि नहीं कहते, गुजराती में कहते हैं सब, ये बच्चों का क्या होगा, वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे बड़े होंगे, कैसी तरबियत कौन करेगा। बाप होता है, बाप तरबियत करता है, लेकिन देखो मेरा नबी तो अभी पेट में है माँ के, और बाप का साया उठा है, और मेरे नबी का उस्ताद कौन है, वो लोग आए अल्लाह, और मेरे नबी की तरबियत अल्लाह ने फरमाई है। जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, यतीम बनकर आए, अभी तो थोड़ा खेलते हुए तारीख में है कि अभी घुटने निकालने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल, 6 बरस के हुए तो माँ आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा का भी इंतकाल। कैसे इंतकाल हुआ, आए तारीख आप पढ़े किताबों से, हम कहाँ लगाव लगाते, तारीख में है कि हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 6 बरस के हुए तो हजरत आमिना ने हमारे नबी को कहा, चलो मोहम्मद आपके बाप की कब्र पर जाकर आते हैं। किसकी कब्र पर बोलो भाई, अब्बा की कब्र कहाँ है, मदीना मुनव्वरा, यसरिब मदीना मुनव्वरा में है। और अजीज मेरे प्यारो, चंद साल पहले जब मस्जिद नबी को जब बरी कर रहे थे तो हजरत अब्दुल्ला का और पास सहाबा की कब्रों को खोला गया, वैसे का वैसा ही पाया गया, हजारों साल गुजर गए हजरत अब्दुल्ला, लेकिन कब्रों में से बोलो भाई हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बदन मुबारक।